राम मंदिर और राजीव गांधी छत्ते में हाथ, शरद पवार ने डाला। मधुमक्खियां कांग्रेस को काटेंगी। एनसीपी नेता शरद पवार का ताजा बयान कांग्रेस को असहज करने वाला है। वेटरन नेता ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास तब हुआ था जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। पवार ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस तो इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। एनसीपी नेता मंगलवार को कर्नाटक के निपाणी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पवार के निशाने पर तो बीजेपी और आरएसएस थे, मगर कांग्रेस कोलेट्रल बन गई। कांग्रेस पहले ही 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण टुकड़ा चुकी है। अब पवार ने अयोध्या में मंदिर का क्रेडिट राजीव सरकार को देकर कांग्रेस को फंसा दिया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम बताने वाली कांग्रेस कहीं पवार की गुगली पर LBW ना हो जाए। तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने का फैसला किया था। 9 नवंबर 1979 को विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करने की अनुमति दी गई थी। उसके बाद से देश में राम मंदिर आंदोलन की नई लहर देखने को मिली। यह तथ्य है कि जब राजीव गांधी PM थे तब बाबरी मस्जिद का ताला खुला था, मगर क्या ताला खुलवाने का आदेश सीधे राजीव गांधी से आया था? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पिछले साल नवंबर में द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वो राजीव गांधी ही थे जिन्होंने 1980 के मध्य में मस्जिद का ताला खुलवाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने अपनी किताब मेमोर्स ऑफ अ मैवरिक में लिखा है कि राजीव को ताला खोले जाने की साजिश के बारे में जरा भी भनक नहीं थी। उन्हें इस बार बाद में पता चला कि यही तथ्य है। 1979 में बीजेपी ने आधिकारिक रूप से राम जन्मभूमि आंदोलन का समर्थन किया। जवाब में राजीव सरकार ने VHP को राम मंदिर का शिलान्यास करने की अनुमति दे दी। फिर जब 6 दिसंबर 1992 की घटना हुई तब PV नरसिम्हा राव की सरकार थी। कांग्रेस अब बावरी विध्वंस का जिम्मेदार राव को ठहराते हैं। 2007 में राहुल गांधी ने कहा था कि अगर 1992 में गांधी परिवार राजनीति में होता तो बावरी नहीं गिरती। राजीव की हत्या के बाद सोनिया गांधी कुछ समय तक सियासत से दूर रही। 1992 के बाद बीजेपी ने हिंदुओं के बीच तेजी से पैठ बनाई और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में हाशिए पर चली गई। राष्ट्रीय स्तर पर भी उसे खासा राजनीतिक नुकसान सहना पड़ा। मुस्लिम वोटों की चाह में कांग्रेस ने एक सेक्युलर मोड़ लिया और क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने लगी। 2014 में नरेंद्र मोदी की एंट्री से कांग्रेस के लिए हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी का मुकाबला करना और मुश्किल हो गया।